हेलो गाइस, वेलकम टू द जीबीटी न्यूज। तो गाइस, आज की अपडेट काफी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि आप इसे सुनते ही खुश होने वाले हो, क्योंकि एप्पल कंपनी अभी सोनी कंपनी को परचेस करने वाली है। और फाइनली सोनी कंपनी ने ये फैसला करा है कि वो इसको परचेस करने से पहले ही मार्वल स्टूडियो के साथ डील कर लेगी स्पाइडरमैन को लेकर। क्योंकि आप सबको पहले ये बात पता है कि सोनी कंपनी के काफी बड़े प्लान है मूवी को लेकर, विलेंस को लेकर, सुपर हीरो से रिलेटिव। और सोनी कंपनी के प्रोड्यूसर ने अभी ये चीज रिवील करी कि वो स्पाइडरमैन को कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी फीचर्स की मूवी से रिलेटिव, जिसमें कि वेनम 2, मॉर्बियस और भी आके काफी बड़े बड़े कैरेक्टर है, जिसमें कि हमारी ब्लैक कैट भी शामिल होगी। और देन सबसे बड़ी बात मार्वल फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि टॉम हॉलैंड अब सुरक्षित है, क्योंकि मार्वल स्टूडियो सोनी के बीच में अगर डील होगी तो ये कैरेक्टर बदला नहीं जाएगा, क्योंकि हमें फ्यूचर में स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड ही चाहिए होगा। और फाइनली सिनिस्टर 6 का भी काफी बड़ा प्लान चल रहा है, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं। तो देखते हैं कि सोनी की ये डील और मार्वल स्टूडियो की ये डील 2019 में मार्च के या अप्रैल के महीने में हो जाएगी और एप्पल कंपनी के अंडर आ जाएगी। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे या तो उस पे आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो। पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।